Good morning, learners. Welcome to this session of Testbook SuperCoaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Testbook app. Learners, don't forget to like, share, and subscribe to our channel, and do join my Telegram group, जहां आपको सभी important updates, PDFs of important sessions के links and many other important things are shared with all of you. So Telegram channel के through हम आपके साथ सभी important details share करते हैं. So don't forget to join our Telegram channel. So learners, आज हम एक बहुत important topic के बारे में बात करना चाह रहे हैं about ozone. Recently अगर देखा जाए तो environment, people development and environment जो कि हमारा unit 9 है of paper 1, इस particular paper में ozone topic से काफ़ी questions पूछे जाते हैं. So we are going to study क्या है good ozone और क्या है bad ozone, और साथ ही साथ इससे related questions कैसे आते हैं उसे भी हम आज के इस छोटे से सेशन में प्रैक्टिस करेंगे. So सभी कोई इस पूरे सेशन को अच्छे से देख के इस कंसेप्ट को आज क्लियर कर लेंगे. राइट, सो क्या है गुड और बैड ओजोन. जैसे कि आप यहाँ पे एक बच्चा है जो स्माइल कर रहा है और ये काफी परेशान लग रहा है बिकॉज ऑफ दी हार्मफुल इफेक्ट. सो नाम से ही पता चल रहा है कि गुड ओजोन एक अच्छा ओजोन है और बैड ओजोन जो है वो हमारे हेल्थ के लिए काफी घातक है. सो पहले ये समझते हैं कि गुड ओजोन और बैड ओजोन पाए कहा जाते हैं. तो अगर हम गुड ओजोन की बात करें तो एक और नाम है जो इसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन. ठीक है, गुड ओजोन को हम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन भी कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर के साथ इसकी लेयर होती है. और वहीं बैड ओजोन को हम ग्राउंड लेवल ओजोन या GLO भी कहते हैं, यानी कि ये हमारे इर्द गिर्द रहता है, जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर. ये पाया जाता है ट्रोपोस्फेयर में. ठीक है, तो लोकेशन वाइज गुड ओजोन हो गया स्ट्रेटोस्फेयर और बैड ओजोन हो गया ट्रोपोस्फेयर. अब ये गुड ओजोन जो होता है हमें सेफ रखता है. किस चीज से सेफ रखता है? सन की हार्मफुल UV रेस से. सो एक इस तरह की परत बना देता है जिससे कोई भी जो हार्मफुल UV रेज होती हैं जो अर्थ पे फॉल कर रही होती हैं वो इससे छन के आती हैं. वहीं बैड ओजोन जो है हमें हार्म करता है, अगर बॉडी में एंटर कर जाता है तो बहुत तरह की फैटलिटीज हो सकती है, बहुत तरह की परेशानियां हो सकती हैं. अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो करीब 10 से 30 माइल अबव अर्थ सरफेस में ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन पाया जाता है और ये ग्राउंड लेवल ओजोन बनता है, क्रिएट होता है कहाँ? हमारे एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फेयर पार्ट पे. और ज्यादातर ये कहाँ पे क्रिएट होता है? जहाँ व्हीकल्स का, ट्रांसपोर्ट का बहुत एग्जॉस्ट या एमिशन होता है या बहुत तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वहां पे ग्राउंड लेवल ओजोन की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा होती है. नाउ अगर स्पेसिफिक फंक्शन की बात करें तो सन की जो अल्ट्रावायलेट, जिसे हम UV रेज या रेडिएशन कहते हैं, इस पर्टिकुलर रेडिएशन से गुड ओजोन हमें शील्ड करता है. वहीं अगर ग्राउंड लेवल ओजोन ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो वो UV लाइट की इंक्रीज भी हो जाती है. अगर हम गर्मियों की बात करें, खास करके स्पेसिफिक समर्स की बात करें, सो अल्ट्रावायलेट लाइट बढ़ भी जाती है और सन का जो सन की हीट है वो भी काफी हो जाती है, जिसकी वजह से GLO का फॉर्मेशन काफी तेजी से होता है. सो ये भी चीज आपने याद रखनी है कि GLO का फॉर्मेशन जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है एंड इट इज वेरी हाई ड्यूरिंग समर मंथ्स. नाउ जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है. सो ओजोन इज बैड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. सो जैसे कि हमने देखा कि ओजोन अच्छा भी है बुरा भी है, बट स्पेसिफिकली ओजोन अगर बुरा है तो किस परत में खराब है? सो जैसे कि आप लोगों ने देखा, इसका सही आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर में. एक और इससे रिलेटेड कंसेप्ट है कि ओजोन बनता है, ट्रोपोस्फेयर में क्रिएट होता है और स्ट्रेटोस्फेयर में नेचुरली प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो बैड ओजोन जो है वो लोअर एटमॉस्फेयर, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, इसमें बनता है और ये सबसे पहले किसे हार्म करता है? लाइफ फॉर्म्स को, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ये किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म को हार्म करता है. जैसा कि हमने कहा गुड ओजोन जो है वो एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेरिक पार्ट में पाया जाता है और उसका काम होता है सन की हार्मफुल रे से हमें शील्ड करना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूम डिओड्राइजर्स. अब कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं. सो ये कंसेप्ट है आपका रूम डिओड्राइजर्स पे, और वो भी चूंकि एक एयर पोल्यूटेंट की तरह उसको भी हम कैटेगराइज करते हैं। सो ये है हमारे ऑप्शंस। इनहेल्ड पर्टिकुलेट मैटर जो कि सांस लेने योग्य कण पदार्थ होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और वीओसी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो लर्नर्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है वीओसी। कई बार हम इससे ओजोन से कंफ्यूज होते हैं, सो ये चीज को ध्यान में रखना है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चाहे रूम डिओड्राइजर्स हो, परफ्यूम्स हो, मिस्ट स्प्रेज और मॉस्किटो रेपेलेंट्स, ये जितने भी हम स्प्रेज यूज करते हैं उसमें से क्या निकलता है? वीओसी निकलता है। ठीक है, अगेन एयर फ्रेशनर्स जो है या रूम डिओड्राइजर्स जो हैं, इन ये रिलीज करते हैं छोटी बहुत कम मात्रा में, बहुत महीन दिखने वाले जो नहीं भी दिखते हैं एट टाइम्स, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि एयर में रिलीज किए जाते हैं। अब ये वीओसी क्या है? वीओसी एक तरह का केमिकल थिंग है जो कि वेपर में या गैस में बदल जाता है। दैट मीन्स जब आप स्प्रे करते हैं तो तुरंत आपको स्मेल आती है बट आपको कुछ दिखता नहीं है, बिकॉज ये जो वीओसी होता है ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है वेपर या गैस में एट रूम टेम्परेचर। नॉर्मल जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है इसमें इसका कन्वर्जन हो जाता है। काफी सारी आज के समय में हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो कि इस केमिकल जो एयर में ऐड हो जाता है इसकी वजह से होती है, और जिसे हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट भी कहते हैं। सो वीओसी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, अगेन ये प्राइमरी पोल्यूटेंट के मिलाने से बनता है। नाउ ग्राउंड लेवल ओजोन क्या है? एक कलरलेस गैस है। अगर हम जीएलओ की स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन की बात करें तो इसका कोई कलर नहीं है और काफी इरिटेटिंग गैस है जो कि राइट अबव दी अर्थ सरफेस बनती है। इसे हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। क्यों सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में क्रिएट होता है, ये एज इट इज एमिशन नहीं इसका होता है, because it is produced when two primary pollutants react in sunlight and stagnant air. So जो हमारी स्थिर वायु होती है और उसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में जब बाकी पोल्यूटेंट्स कंबाइन करते हैं तब बनता है जीएलओ। अब ये कौन से प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से हमारा जीएलओ बनता है? तो जो दो प्राइमरी पोल्यूटेंट है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड किसी भी फॉर्म में एंड वीओसी। तो ये कंसेप्ट लर्नर्स आप लोग को जरूर से याद रखना है कि जब भी हम जीएलओ की बात कर रहे हैं तो ये हमेशा नाइट्रोजन ऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट अनदर क्वेश्चन जो कि ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन लोअर एटमॉस्फेयर इज डिजायरेबल। तो हमें हाई कंसंट्रेशन ओजोन का लोअर एटमॉस्फेयर में चाहिए होता है क्योंकि ओजोन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है वो प्रोटेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अर्थ के सर्फेस पे फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। राइट, तो इसका जैसे कि आप देख सकते हैं डी इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल फॉल्स है। हाई कंसंट्रेशन हमें ओजोन का लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं जरूरत होती है, और यस जो ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में, कौन सा ओजोन? गुड ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है वो हमें हमारे लाइफ फॉर्म्स को प्रोटेक्ट करता है जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे रहती है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। राइट, सो अगर आप अर्थ के आस बाहर का एटमॉस्फेयर को समझने की कोशिश करेंगे तो ये है हमारा सबसे इमीडिएट एटमॉस्फेयर का लेयर विच इज ट्रोपोस्फेयर, और हमारा जो जीएलओ होता है वो यहाँ बनता है, और जो गुड ओजोन का जोन है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। राइट, सो यहाँ पे हमारा स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होता है विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर हम थिकनेस की बात करें तो ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो करीब एक 5 रुपए के सिक्के जितनी होती है। Right, so again I hope ye explanation is clear. So learners, I hope you all have liked, shared and subscribed to our channel. So thanks for watching. I hope you found it interesting, and do let me know in the comments if the concept of GLO and good ozone is clear, and also let me know ki GLO kin do cheezon se banta hai. Your work for the for this particular session is there are two pollutants जो मैंने आपको बताए हैं। आप बिना आप दोबारा से इस वीडियो को देखे हुए मुझे बताएंगे कि कौन से ऐसे दो पोल्यूटेंट हैं जिनके कॉम्बिनेशन से बनता है जीएलओ। Right, so I'll see you in the next session. Don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do join my Telegram group for all important updates. Thanks for watching.